ये गद्दर कहाँ है? वो तो ठाकुर की बहू को उठा के ले गया सरदार। क्या गद्दर, तूने ये बहुत बुरा किया। तुम सब चलो, मैं आता हूं। बहन जाओ अपने घर। गदर, तूने एक दुल्हन की इज्जत पर हाथ डालकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी रामजादे कमीने, अगर तू मेरा दोस्त न होता तो तेरी गर्दन तोड़कर मैं तुझे कब का खत्म कर चुका होता। बजरंग, तूने कुत्ते के मुंह से बोटी छीनी है, मैं भी तुझे पागल कुत्ते की तरह काटूंगा, जिसके लिए तू पानी की एक एक बूंद के लिए तरसेगा। इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए, भाग जा यहां से, भाग जा यहां से। क्या बात है कटोरी भाई, मेरे दिल की धड़कन और तुम्हारे कोठी की रौनक शब्बो दिखाई नहीं दे रही। शब्बो बजरंग के प्यार में पागल होके गई है, बड़ी इज्जत की जिंदगी गुजार रही होगी। गुजारने दे, गुजारने दे, बस उस कबूतरी का पता बता दे, ऐसे पर काटूंगा ना वो कबूतरी रहेगी ना उसका आशिक बजरंगा। मुझे बजरंगा से हिसाब चुकाना है। पालमगढ़। क्या कहा? पालमगढ़। कोई भी अपनी जगह से एक इंच भी हिला तो उसकी लाश मीलों मीलों दूर जाके गिरेगी। गांव वालों, कान खोल कर सुन लो, आज मैं यहां खून खराबा करने नहीं आया, मैं तो यहां हुस्न के दरिया में एक डुबकी मारने आया हूं। जल्दी से उस हुस्न के एटम बम को, मेरी शब्बों को निकालो। अरे सुनो, कोई जवाब नहीं देता। कोई जवाब नहीं देता। साथियों, उजाड़ दो इस गांव को और उठा कर ले चलो गांव की हर लड़की को। चलो, 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 रुक जाओ। अरे
गई मेरी शब्बो। हाय मेरी बन्नो बनने के लिए मेरी शब्बो जी। याद रख गदर सिंह, एक न एक दिन ये गरीबों के आंसू अंगार बनके तेरी लाश को जला देंगे और तेरी हस्ती को मिटा डालेंगे। बालके, नारी को ये शोभा नहीं देता। मेरी हस्ती को मिटाने से पहले तुम्हें पहले मेरी मस्ती को मिटाना पड़ेगा। चल मेरी हवस की आग में जल, चल ना। जब जब जहां जहां जुल्म के नाग ने अपना फन फैलाया है, तब तब वहां उस फन को कुचलने बजरंग आया। बजरंगा, मेरे रंग में भंग मत डाल, चुपचाप यहां से चला जा, वरना एक ही घूसे से तुझे और तेरे खानदान को चकना चूर कर दूंगा। गद्दर सिंह, मैं कोई दो पैसे वाला बताशा नहीं हूं जो तू मुझे अपने घूसे से चकना चूर कर देगा। मैं वो चट्टान हूं जिससे जब कोई टकराता है कुत्ते की मौत मारा जाता है। अपनी जिंदगी चाहता है जहरीले नाग तो इस लड़की को डसना छोड़कर भाग जा। मैं नाग के साथ साथ एक आग भी हूं जिसका नाम गदर सिंह है। गदर सिंह, अरे हाँ, एक गदर में आया था और दूसरा गदर 20वीं सदी में आया है जो तेरे सामने खड़ा हुआ है। के गदर की हरामी औलाद गदर सिंह, ये मत भूल कि सदियों पहले 52 गज रावण की लंका को श्री बजरंग ने ही चलाया था और आज 20वीं सदी का ये बजरंग रावण का रूप लेकर गरीबों पर कहर ढाने वालों को मिटाने आया। तो दिखा पूछ, हट। हाय बंदूक, मर्द के हाथों में बंदूक, बंदूक से तो बच्चा भी मार सकता है। मजा तब है बिना बंदूक के गदर सिंह का गदर मिटा के देख। कहते हैं मरने वाले की हर तमन्ना पूरी करनी चाहिए, तो? इसलिए गद्दर सिंह हम तुम्हारी ये तमन्ना भी पूरी करें। अच्छा? आज आप वक्त पर ना आते तो मैं दुनिया को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। ऐसा मत कहो शबो, अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं उस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ता। देखो अपना ख्याल रखो जी। पुलिस! अजरंग, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। आपको हमारे हवाले कर दो, तुम्हारे भागने की कोशिश बेकार रहेगी वरना कुत्ते की मौत मारे जाओगे। दरोगा, पुलिस डिपार्टमेंट ने आज तक ऐसा माइका लाल पैदा ही नहीं किया जो बजरंग सिंह के हाथों में सरकारी कंगन पहना सके।